तुम्हारे बच्चे जो है उन्होंने तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज में सताया, यानी रात को जगाया, या को होता ना हर किसी के अलग अलग? नहीं, बहुत क्राइटेरिया होता है. मुझे कभी, मैं तंग नहीं हुई बच्चों को लेकर. अच्छा, शरीफ बच्चे हैं तुम्हारे? शरीफ हैं, सुलाओ तो टाइम पे सो जाते हैं. बस खेलना थोड़ा शौक है, बाकी खेला. मेरा बेटा तो पता है कैसे माशाल्लाह से, वो ना मैं उसको कार्टून चला दूं अगर, और वो टीवी पे भी इतना बहुत शौकीन नहीं है, तो वो अपनी एक गाड़ी लेके वो एक गाड़ी चलाता रहेगा. और इधर तो देखेगा, आप उसे कुछ कहेंगे मूसा, वो मुस्कुराएगा. उससे उसकी सोने का टाइम है ना, अब टीवी चल रहा है सामने, वो बेड पे आएगा खुद ही चढ़ के और वो तकिए पे ले जाएगा. और वो टीवी देखते देखते सो भी जाता है. एक्सेप्ट जिसको भूख लग रही हो तो वो फिर आके किसी को पकड़ के बोलता है कि मुझे करके. ये भी बहुत अच्छी बात है. इतना साबिर बच्चा. साबिर. तुम बताओ तुम्हारा बच्चा जो है. मेरी बेटी अनाबिया तो बहुत ही ज्यादा साबिर, मतलब उसने मुझे फील नहीं होने दिया. मैं दुबई में उसका अकेली रही हूँ. मुझे लगता था कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा. अच्छा, मैं कुछ, मुझे निदा था कि मेरी तीनों भाभियों के बच्चे मेरे होते हुए सामने पैदा हुए ना, तो मुझे बड़ा तरीका आ गया था बच्चा पालने का. अच्छा, सो मैं बहुत डिपेंड नहीं करती थी कि नहीं जी मुझे कोई ये काम सिखा दे या मुझे कर दे. मतलब मैं अगर पहली दफा नाबे को नहलाना भी था न्यू बॉर्न, तो मैंने किसी की हेल्प नहीं मांगी. आई न्यू हाउ टू डू इट समहाउ नेचुरली, क्योंकि मैं देखती थी सारे किस तरह बच्चे घर में डील कर रहे थे. तो नाबिया तो बहुत साबिर है अभी तक टिल डेट. अब जब बेटा हुआ है नाउ माशाल्लाह एक साल का हो जाएगा सलार 3 तारीख को, तो मुझे पता चला कि बच्चे छोटे होते इतना बड़ा चैलेंज होता है बेटे. अब सलार ना बहुत शरारती बच्चा है. वो मतलब एक होता है ना बॉर्न शरारती. अब उसका सबसे बड़ा चैलेंज है वो बेड से नीचे गिरता है. मतलब उसको होता है कि बस ही डजंट रियलाइज. अनाबिया वो सो केयरफुल कि वो एक होता है ना बाथरूम और कमरे के बीच में इतना सा गैप, तो उसमें भी अनाबिया देखती थी कि मैं उतरूँ या नहीं उतरूँ. इट्स डेंजरस. जब क्रॉलिंग करी थी सलार कहता हटो गिरो विरो जो करना है. अच्छा, मेरे घर में उल्टा सीन हुआ. अच्छा, जब मेरा बेटा मेरे बेटा जब हुआ पहला, तो उसने मुझे तंग नहीं किया. वो एक बहुत ही अच्छा 2 महीने तक बेचारे के पेट में दर्द था तो वो उतारा. हाँ, लेकिन उसके बाद उसने मुझे ना खाने में ना किसी और चीज में तंग नहीं किया. लेकिन मेरी बेटी ने जो मुझे चने चबवाए खाने में, हर चीज में जिद करती थी. छोटी होती थी जमीन पे लेट जाती थी और वो नहीं पैर रगड़ने वाली थी. और कितनी एम्बैरेसमेंट होती है जब करते है ना ऐसे. सब कहते हैं बेटे ऐसे होते हैं, मेरे तो मेरे साथ तो उल्टा है. अगर मैं समझा दूँ तो वो No means okay. अच्छा, आहिल भी जद नहीं करता. मुझे भी बस 6 months बहुत मुश्किल हुआ था क्योंकि उसको कॉलिक था. तो उसकी वजह से मैं पूरी पूरी रात जागना पड़ता था और वो कंटिन्यूसली 4-4, 6-6 घंटे रोता था. उसके अलावा उसने कभी तंग नहीं किया. ये एक अब ये नहीं कि लड़का या लड़की का तंग वाला नहीं होता. मतलब आपको कोई भी बच्चा आपके लिए चैलेंज बनता. तो सलार की तो शरारतें अब खैर मुझे क्यूट ही लग रही होती है उसकी हरकतें. पैदा ही पता लग जाते हैं व्हेन यू आर कंसीव, व्हेन यू आर प्रेग्नेंट ना, पता लग जाता है कौन कितना शरारती. मुझे तो लगता है. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा हुसैन. सब्सक्राइब टू द ARY डिजिटल यूट्यूब चैनल फॉर मोर एंटरटेनिंग कॉन्टेंट.